एनी ऑफ द डिजिट आउट ऑफ दीज नाइन. तो ये नाइन वेज आपका जो है फिल हो सकता है. दिस प्लेस कैन ऑल्सो बी फिल्ड इन नाइन वेज, दिस प्लेस कैन ऑल्सो बी फिल्ड इन नाइन वेज. यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे बने इस थ्री डिजिट नंबर को फॉर्म करने के लिए, दैट इज एन नाइन रेज टू पावर थ्री. अब ये थ्योरम यही है आपकी कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पे हमारे पास कितने डिजिट थे, नाइन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे और कितने प्लेसेस हम फिल कर रहे थे, थ्री. अब इफ वी आर हैविंग एन प्लेसेस एन डिफरेंट थिंग्स एंड वी आर टू फिल आर प्लेसेस या वी आर टू टेक आर थिंग्स आउट ऑफ दैट, सो दैट कैन बी डन इन एन रेज टू पावर आर वेज. नाइन आपके पास टोटल थिंग्स थी, नाइन में से एट अ टाइम आप थ्री ले रहे थे तो नाइन क्यूब आया. जब आप जनरल वे में लेके चलोगे तो अगर आपके पास एन थिंग्स हैं, एन में से अगर आप आर थिंग्स एट अ टाइम ले रहे हो, व्हेन द रेपिटिशन इज अलाउड, यहाँ ये जरूर ध्यान देना है, रेपिटिशन इज अलाउड, देन दिस इज इक्वल टू एन रेज टू पावर आर. सो दिस इज योर थ्योरम टू, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने कल किए थे. उसके बाद थ्योरम थ्री पे आइए. Number of permutations of n objects where p objects are of the same kind and rest or all are different. Yani ki n objects mein se aap le rahe ho, n ki n choose kar rahe ho, so that can be done in np n ways. Yani ki that is equal to n factorial. Ab n mein se agar aapke in n cheezon mein se maan lo p things aisi hain jo same hain. Maan lo maine liye ye word liya maine roof. इसमें इन लेटर्स को यूज करके हमने क्या करना है, नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं, चाहे वो मीनिंगफुल हैं चाहे मीनिंगलेस हैं, कि इन चारों लेटर्स को यूज करके आप कितने वर्ड्स फॉर्म कर सकते हो. फोर लेटर वर्ड ही आपने फॉर्म करना है. तो ये देखो ये चीज बनेगी आपकी. अब इसमें क्या बनेगा, यहाँ पे फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन फोर वेज, सेकेंड प्लेस इन थ्री वेज, थर्ड इन टू, फोर्थ इन वन. जब इस तरीके से जो आपको वर्ड गिवन होता है उसके लेटर्स को आपने यूज करना होता है, तो रेपिटिशन वाला केस आप नहीं लेते हो, क्योंकि एक लेटर एक बार है तो उसको आप एट अ टाइम एक बार ही यूज करोगे. तो फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, यानी कि आप इसको फोर फैक्टोरियल वेज में इन लेटर्स को अरेंज कर सकते हो. बट इसमें क्या है, आपका ओ टू टाइम्स रिपीट हो रहा है. तो चाहे मैं इसको O1 O2 लिख के, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं R O2 O1 T, तो इनकी पोजीशन इंटरचेंज करने पे भी वर्ड ये रूट ही बनेगा आपका. यानी कि जो दो आपके O's गिवन हैं उनसे वर्ड कितने बन रहे हैं, आपका एक. तो टोटल नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी बार इसकी रेपिटेशन हो रही है उतने फैक्टोरियल से आप इसको डिवाइड कर दोगे. अब जनरल में इसको लो, अगर मेरे पास n थिंग्स एट अ टाइम है और उनको n में से n ही मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, दैट कैन बी डन इन n फैक्टोरियल वेज. बट n में से अगर p थिंग्स आपकी रिपीट हो रही हैं, जैसे यहाँ पे टू थिंग्स थी, अगर p थिंग्स रिपीट हो रही हैं तो डिवाइड दैट फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल. जितनी रिपीट हो रही हैं उससे आप इसको डिवाइड कर दोगे. लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, फिर ये आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. मान लो मैंने ले लिया मैथमेटिक्स, सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, टोटल इलेवन लेटर्स हैं. तो अगर इलेवन लेटर वर्ड ही मैं फॉर्म करूंगी तो दिस कैन बी डन इन इलेवन फैक्टोरियल वेज. फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन इलेवन वेज, सेकंड इन टेन, देन नाइन एट सेवन सिक्स एंड सो ऑन. तो इलेवन फैक्टोरियल वेज में आप इसको फिल कर सकते हो. अब यहाँ पे देखो रेपिटेशन किस किस की हो रही है, m कितनी बार आ रहा है आपका, टू टाइम्स. देन a कितनी टाइम्स आ रहा है, दिस इज अगेन टू टाइम्स. t इज अगेन टू टाइम्स. h सिंगल है, e सिंगल है, देन m a t हो चुका, i c s भी आपके वन वन टाइम है. टोटल सिक्स एंड फाइव, इलेवन लेटर्स थे आपके पास. तो अब जो ये m a और t आपके रिपीट हो रहे हैं टू टाइम्स जो है इनके एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इनकी पोजीशंस अगर आपस में इंटरचेंज करोगे सेम वर्ड बनेगा. तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे
एम का टू जो है उससे डिवाइड करो, ए जो आपका टू टाइम्स एग्जिस्ट कर रहा है टू फैक्टोरियल से डिवाइड करो, टी जो आपका टू टाइम्स एग्जिस्ट कर रहा है उसके फैक्टोरियल से आप इसको डिवाइड कर दो. तो टोटल नंबर ऑफ जो आपके लेटर्स वर्ड्स फॉर्म होंगे इससे दैट इज 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल. एक 2 फैक्टोरियल इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए. बाकी 1-1 टाइम एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है. वन और ले लेते हैं. लेट अस सपोज यू हैव टेकन अकाउंटेंसी. सो टोटल हो गए आपके 3, 6, 9 and 2, 11. तो अगेन यहाँ पे भी 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ए आपका एग्जिस्ट कर रहा है टू टाइम्स तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. सी आपका एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे 3 टाइम्स तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल्स. ओ 1 है, यू 1 है, एन अगेन आपका 2 टाइम्स एग्जिस्ट कर रहा है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. टी 1 टाइम है, वाई 1 टाइम है तो उनको लेने की जरूरत नहीं है. यानी कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड अकाउंटेंसी इज 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल. तो अगर हमें n थिंग्स गिवन है तो उनको हमें अरेंज करना है तो दैट कैन बी अरेंज्ड इन n फैक्टोरियल वेज. बट उसमें अगर p थिंग्स की रेपिटेशन हो रही है या m थिंग्स की रेपिटेशन हो रही है तो डिवाइड कर देना है. जितनी भी रेपिटेशन हो रही है उनके फैक्टोरियल्स से आपने डिवाइड कर देना है. एक से ज्यादा चीजें रिपीट हो रही हैं तो उनका जितनी जितनी रेपिटेशन है उतने उतने फैक्टोरियल से आप उसको डिवाइड कर दोगे. तो ये अगर एक चीज रिपीट हो रही है तो डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल. अगर दो रेपिटेशन है, मान लो एक थिंग्स आपको m टाइम्स रिपीट दिया हुआ है, एक p टाइम्स रिपीट दिया हुआ है तो डिवाइड बाय m फैक्टोरियल एंड p फैक्टोरियल. सो दिस वॉज योर थ्योरम 3. अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट थ्योरम 4 मैंने इसके साथ ही बता दी है. थ्योरम 3 आपकी सिंगल रेपिटेशन वाली थी. इसके बाद आपके क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस में आपने बस ये ध्यान रखना है कि जहां पे रेपिटेशन होगी वहां आपने डिवाइड जरूर करना है. अब एक्सरसाइज 7.3 कर रहे हैं हम. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड. कोई भी डिजिट जो है वो हमारा रिपीट नहीं हो रहा, आपने बताना है कितने जो है नंबर्स आप फॉर्म कर सकते हो. एनी वन ऑफ यू, इफ नो डिजिट इज बीइंग रिपीटेड, डिजिट्स 1 to 9 आप यूज कर रहे हो तो कितने नंबर्स जो है वो आप फॉर्म कर सकते हो. यू आर टू टेल कितने क्वेश्चन बचे इससे रिलेटेड कल किए हैं, क्या बनेगा. हाँ जी, anyone of you can unmute and tell me the answer. How many 3-digit numbers can be formed by using the digits 1 to 9 if no digit is repeated? Digit repeat नहीं हो रहा. अच्छा, कल वाले method से ही देखो क्या किया था हमने. कल 3-digit number हम form कर रहे हैं using the digits 1 to 9, यानी कि 9 digits हैं with no repetition. तो first place can be filled in 9 ways. सेकेंड प्लेस इन 8 वेज, थर्ड प्लेस इन 7 वेज. तो टोटल हो गए आपके ये 504 वेज. लेकिन आज जब हमने परम्यूटेशन कर लिया है तो अब हमें जो डिजिट्स गिवन है वो 9 गिवन है, 1 से शुरू हो रहे हैं, और जो हमें नंबर फॉर्म करना है वो 3-digit नंबर हमने फॉर्म करना है. यानी कि 9 में से वी आर टू सिलेक्ट 3 एंड अरेंज है. तो 9p3 इज n factorial upon n minus r factorial. So that is 9 factorial upon 6 factorial. 9 factorial or 6 factorial ko jab aap simplify karoge, this can be written as 9 into 8 into 7 into 6 factorial upon me again 6 factorial. Ye cancel out ho gaya. So 9 into 8 into 7 same cheez aa rahi hai. To dono mein se aap kisi bhi tarike se isko simplify kar sakte ho. So this was your question number 1 of exercise 7.3. इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी 4-digit नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड. अब हमें 4-digit नंबर्स बताने हैं जिसमें डिजिट्स रिपीट नहीं होंगे. अब यहाँ पे उसने आपको ये नहीं दिया हुआ कि कौन कौन से डिजिट्स आपने यूज करने हैं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डिजिट्स 1 to 9 गिवन था,
यहाँ पे हमें गिवन नहीं है हमने कौन से डिजिट्स यूज करने हैं, तो हम जीरो से लेके नाइन तक सभी डिजिट्स लेके चलेंगे। अब जीरो टू नाइन में देखो हमने फोर डिजिट जो है नंबर वो फॉर्म करना है। हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। अब यहाँ ध्यान दो, अगर मैं फर्स्ट प्लेस के जीरो ले लेती हूँ, अब जीरो टू नाइन टोटल आपके डिजिट्स कितने बन रहे हैं, टेन बन रहे हैं। अगर मैं फर्स्ट प्लेस पे जीरो ले लेती हूँ देन दिस विल रिड्यूस टू अ थ्री डिजिट नंबर। तो फर्स्ट प्लेस पे हमने जीरो नहीं लेना है, ये आपने ध्यान रखना है। तो इट मीन्स फर्स्ट प्लेस पे आउट ऑफ दीज टेन एनी नाइन, जीरो को छोड़ के एनी नाइन डिजिट्स कैन कम ओवर हियर। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन नाइन वेज। जीरो हमने इसमें से स्किप कर दिया क्योंकि जीरो अगर फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा तो वो आपका थ्री डिजिट नंबर रह जाएगा। मान लो मैंने जीरो फर्स्ट प्लेस पे लिख के बाकी तीन डिजिट्स में है सेवन एट नाइन लिए, तो दिस इज नॉट अ फोर डिजिट नंबर, दिस इज अ थ्री डिजिट नंबर। तो जीरो हमने छोड़ दिया तो टेन में से नाइन डिजिट्स रह गए, यानी कि फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन नाइन वेज। अब एक डिजिट यहाँ आ गया, अब नेक्स्ट प्लेसेस के लिए वी कैन टेक जीरो। अब नेक्स्ट प्लेसेस के लिए जब हमने एक डिजिट यहाँ ले लिया, टोटल टेन थे, तो सेकंड प्लेस के लिए भी हमारे पास कितने डिजिट्स रह गए, नाइन डिजिट्स रह गए क्योंकि जीरो हम इसमें कंसिडर कर रहे हैं। सो अगेन सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन नाइन वेज। तो पहले के लिए टेन नहीं लेना, ये ध्यान रखना है, जीरो को छोड़ के यहाँ पे दिस कैन बी फिल्ड इन नाइन वेज। अब एक डिजिट यहाँ जो आ गया अदर देन जीरो, तो नेक्स्ट प्लेस के लिए जीरो हम ले सकते हैं, तो जीरो लेके यहाँ अदरवाइज एक डिजिट आ गया तो अगले में वैसे एट आना चाहिए था बट जीरो हमने कंसिडर किया तो ये भी नाइन बन गया। देन अगले प्लेस के लिए एट, उससे अगले प्लेस के लिए सेवन, तो दिस विल गिव यू द आंसर नाइन इंटू नाइन इंटू एट इंटू सेवन। सो इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, यू विल गेट योर आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर थ्री। अच्छा, इसी वाले को आप एक और मेथड से कर सकते हो, आप इसमें पहले टोटल नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर्स निकाल लो और फिर इसमें से जो थ्री डिजिट नंबर्स हैं सारे, या टू डिजिट नंबर या वन डिजिट नंबर, थ्री डिजिट नंबर नॉट टू एंड वन, थ्री डिजिट नंबर्स जो है वो सारे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यू विल गेट द आंसर। बट आप इस मेथड से करोगे तो आपकी गलती होने के चांसेस कम है। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में वो हमें कह रहे हैं कि हाउ मेनी थ्री डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 6, 7। ये सिक्स डिजिट्स हमें गिवन है। हाउ मेनी थ्री डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 6, 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। इनमें डिजिट्स रिपीट नहीं होंगे। थ्री डिजिट नंबर है, इवन नंबर है, यानी कि लास्ट प्लेस पे टू या फोर या सिक्स, इट मींस लास्ट प्लेस जो है दैट कैन बी फिल्ड इन थ्री वेज। अब नो डिजिट रिपीटेड है। अब यहाँ आपने ध्यान रखना है कि बाकी के जो मैं क्वेश्चंस कर रही थी मैं स्टार्टिंग से कर रही थी, ये वाला क्वेश्चन मैंने पीछे से शुरू किया है क्योंकि यहाँ जो कंडीशन बन रही थी मेरी वो कंडीशन क्या है, इवन नंबर होना चाहिए। इवन हमें पता है इवन नंबर कब होता है, अगर इट्स लास्ट डिजिट जो है that is divisible by 2 or we can say that is a multiple of 2. So 2, 4, 6 ये तीन इसके हैं multiples 2 के जो last place पे अगर आए तो even number बनेगा। तो इसलिए हमने इसको पीछे से शुरू किया है कि last place जो है that should be filled either with 2 or with 4 or with 6. So last place can be filled in 3 ways. अब इन 6 digits में से एक digit जो है वो हमने लास्ट प्लेस पे फिल कर दिया तो बाकी बच गए हमारे पास फाइव डिजिट्स। तो दिस कैन बी फिल्ड इन फाइव वेज एंड दिस कैन बी फिल्ड इन फोर वेज। आप चाहो तो फाइव यहाँ और फोर यहाँ भी लिख सकते हो, दैट्स वन एंड द सेम थिंग। तो योर दिस विल गिव यू द आंसर 5 × 4 × 3 वेज, यानी कि 60 वेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। आपको कितने डिजिट नंबर बनाना है, फोर डिजिट नंबर बनाना है यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 and 5। थ्री डिजिट नंबर आप बना रहे हो और फिर वो क्या कह रहे हैं कि नो डिजिट बींग रिपीटेड।
अब नो डिजिट बीइंग रिपीटेड के लिए क्या लेके चलोगे? एक एक लेस करते जाओगे. फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन फाइव वेज. फोर डिजिट नंबर है ये आपका. तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन फाइव वेज, सेकेंड प्लेस इन फोर वेज, थर्ड प्लेस इन थ्री वेज, लास्ट प्लेस इन टू वेज. तो ऑप्शन फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इसका जो प्रोडक्ट है दैट विल बी योर आंसर. सो दिस कैन फॉर्म 120 नंबर्स. अब आगे वो क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन. अब इनमें से कितने इवन होंगे, अब इनमें से कितने इवन होंगे, दोस हु आर कंटेनिंग टू एंड फोर एज देयर लास्ट डिजिट. तो सेकेंड पार्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस प्लेस को फिल करेंगे. इवन नंबर हमने चेक करना है, तो इवन मींस या टू होना चाहिए लास्ट डिजिट या फोर होना चाहिए. तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन टू वेज. अब इन फाइव डिजिट्स में से एक डिजिट हमने यहाँ रख लिया, बाकी कितने रह गए, फोर इंटू थ्री इंटू टू. सो दिस इज फोर थ्री जार ट्वेल्व, टू जार ट्वेंटी फोर, टू जार 48 इवन नंबर्स. तो इवन नंबर्स कितने होंगे यहाँ पे, 48. जब उसने नंबर की कोई कंडीशन नहीं दी है, आपको सिर्फ ये दिया है उसने कि फोर डिजिट नंबर आपने फॉर्म करना है यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5. तो उस मोमेंट पे हमने लिया फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन फाइव वेज, सेकेंड इन फोर, थर्ड इन थ्री वेज एंड द फोर्थ प्लेस इन टू वेज. रेपिटेशन क्योंकि अलाउड नहीं थी, तो ये 120 वेज आ गए. सेकेंड पार्ट में वो कह रहे हैं इवन नंबर, हाउ मेनी ऑफ दीज आर इवन नंबर, इन 120 में से कितने इवन होंगे. तो इवन के लिए लास्ट प्लेस हमने चेंज कर दिया, दिस कैन बी फिल्ड इधर विद टू और विद फोर, दैट इज टू वेज. अब एक डिजिट यहाँ आ गया, बाकी चार रह गए, तो फोर इंटू थ्री इंटू टू, तो 48 वेज. नाउ द नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, फ्रॉम अ कमेटी ऑफ एट पर्सन्स इन हाउ मेनी वेज कैन बी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन अज्यूमिंग दैट वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजिशन. एक पर्सन जो है वो एक से ज्यादा पोजिशन जो है वो नहीं ले सकता. अब देखो दो प्लेसेस, दो सीट्स हमने फिल करनी है, एक है चेयरमैन की, दूसरी है वाइस चेयरपर्सन की. तो ये दो जो है आपने फिल करनी है. तो इट मीन्स टू पोस्ट वी आर टू फिल. फर्स्ट पोस्ट को फिल करने के लिए वी आर हैविंग एट मेंबर्स, सो दिस कैन बी फिल्ड इन एट वेज. अब उसने कहा हमें वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन दिस वन पोस्ट वन पोजिशन. तो इट मीन्स एक जो यहाँ पे आ गया वो अब दोबारा यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ दोबारा नहीं आ सकता मीन्स इस पोजिशन को. अब बाकी के जो सेवन पर्सन बचे दे कैन फिल दिस पोजिशन. So the required number of ways is 56, 8 into 7, क्योंकि person repeat नहीं हो सकता. Then question number 6, simply इसमें आपने formula लगाना है. Question number 6 में वो कह रहा है कि n minus 1 p3 ratio n p4. तो ratio की form में है, तो मैं इसको upon में लिख देती हूँ. This is equal to 1/9. अब n minus 1 p3 को आप simplify करोगे तो this will be given by n minus 1 factorial divided by 3 n minus 1 minus 3. Formula है आपका npr is equal to n factorial upon n minus r factorial. तो n की जगह n minus 1 था, ये आ गया as it is. अब इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल, तो n माइनस फोर फैक्टोरियल, माइनस वन माइनस थ्री इज माइनस फोर, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस फोर फैक्टोरियल. दिस इज इक्वल टू 1/9. ये n माइनस फोर फैक्टोरियल, n माइनस फोर फैक्टोरियल आपका कैंसिल आउट हो गया. व्हाट वी आर लेफ्ट विद, n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9. n बड़ा है तो इसको छोटे वाले की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे. दिस कैन बी रिटन एज n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल. n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, तो 1/n इज इक्वल टू 1/9, यानी कि n की वैल्यू आ गई आपके पास 9.
यही आपको कैलकुलेट करना था, यू वर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, तो दैट इज इक्वल टू 9. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें आर निकालना है. इसमें कोई डाउट है यहां तक तो यू कैन आस्क. इस वाली एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में यहां तक कोई डाउट है तो यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कैन आस्क योर डाउट. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. अब इसी तरीके से गिवन है हमें क्वेश्चन, बट वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर. अभी हमने एन निकाला है, अब हम आर निकालेंगे. सो वी आर गिवन दैट 5PR इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 6PR माइनस 1. फर्स्ट पार्ट इसका मैं करवा रही हूँ, सेकंड आप करोगे. 5PR को सिंप्लीफाई कर लोगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन डिफरेंस का फैक्टोरियल, एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ 6 फैक्टोरियल अपॉन डिफरेंस. जब आप इनका लोगे 6 माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 7 माइनस आर फैक्टोरियल. सो आई होप दिस स्टेप इज क्लियर टू यू. 5 फैक्टोरियल अपॉन डिफरेंस 5 माइनस आर फैक्टोरियल, 2 ये वाला एज इट इज, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 में से इसका डिफरेंस लिया, माइनस किया, तो 6 माइनस आर प्लस 1 दैट इज 7 माइनस आर फैक्टोरियल. अब 7 माइनस आर फैक्टोरियल बड़ा है 5 माइनस आर फैक्टोरियल से, तो और सेम वे में 5 फैक्टोरियल छोटा है 6 फैक्टोरियल से, तो ये वाली साइड जो छोटे वाले फैक्टोरियल्स के साथ है ये एज इट इज, इसको हम चेंज करेंगे. 6 को 5 फैक्टोरियल के टर्म्स में लिखना है तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल. 7 माइनस आर को जब आप इसमें से माइनस 1 करते जाओगे तो दिस विल बी 6 माइनस आर, फिर 6 माइनस आर में से अगेन जब आप माइनस 1 करोगे तो दैट विल बी 5 माइनस आर, यानी कि यहाँ पे आ गया आपके पास 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर फैक्टोरियल. ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो वी आर लेफ्ट विद 1 is equal to 12 upon 7 minus r into 6 minus r. अब ये आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओगे, सो यू विल गेट 7 minus r into 6 minus r is equal to 12. ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 12 राइट हैंड साइड पे हमारे पास ऑलरेडी था. अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 42 minus 7r minus 6r plus r square is equal to 12, r square minus 13r plus 30 is equal to 0. Factors बना लो इसके और यहां से आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी. अब यहाँ देखो दो वैल्यूज आ रही हैं आर की आपके पास, पर दोनों की दोनों विल नॉट गिव यू द आंसर. आर इज इक्वल टू 10 को हम रिजेक्ट कर देंगे एज 10 इज ग्रेटर देन 5 एंड 6. आपको मैंने कल बताया था जब हमारे पास फॉर्मूला एन पी आर होता है तो एन आर के इक्वल हो सकता है या बड़ा हो सकता है, उससे छोटा नहीं हो सकता. अगर आर को हम 10 ले लेते हैं तो 5P10 और ट्वाइस ऑफ 6P9 दोनों बड़े हो जाएंगे, तो इसलिए हमने R इज इक्वल टू 10 को रिजेक्ट कर दिया. आंसर हमारा क्या आ गया, R इज इक्वल टू 3. तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, जब इस तरीके से दो वैल्यूज आ रही हैं तो कौन सी वाली करेक्ट बन रही है वो आपने चेक कर लेना है. अब ये N जो है आपका हमेशा R से बड़ा या उसके इक्वल हो सकता है. सेकेंड पार्ट इज योर होमवर्क पार्ट, तो दैट यू विल डू yourself. Now moving on to question number 8. How many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation using each letter exactly once? So 8 times 8 letters aapke exist kar rahe hain. So this is 8 factorial. किसी भी लेटर की रेपिटिशन नहीं है आपकी, तो दिस विल बी योर आंसर. डिवाइड बाय आपने कुछ नहीं करना है क्योंकि कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा.
हर लेटर जो है आपका दैट इज एग्जिस्टिंग वन टाइम ओनली. तो वन टाइम जब वो एग्जिस्ट कर रहे हैं यू नीड नॉट डिवाइड. सो योर आंसर विल बी 8 फैक्टोरियल. क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड इफ 4 लेटर्स आर यूज एट अ टाइम. अब ये डिफरेंट कंडीशंस गिवन है, कंडीशंस के बेस पे हमने नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो फॉर्म करने हैं. फर्स्ट केस में वो हमें कह रहा है कि लेटर्स हमने यूज करने हैं वर्ड मंडे के और हम वर्ड फॉर्म कर रहे हैं 4 प्लेसेस वाला. इफ 4 लेटर्स आर यूज एट अ टाइम, तो मंडे में यू आर हैविंग टोटल 6 लेटर्स. सो 6 में से आप कितने चूज कर रहे हो? 4. सो योर आंसर विल बी 6P4. आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा. That will be 4 letters are used at a time. 4 letters are used at a time, यानी कि 6V4, तो 6 factorial upon 2 factorial. तो your answer will be 6 into 5 into 4 into 3. So this will be 360. Second part में वो हमें क्या कह रहे हैं कि all letters are used at a time. All letters are used at a time मतलब 6 लेटर्स है, 6 के 6 को आप यूज कर रहे हो. तो NPN जो आपका होता है दैट इज इक्वल टू N फैक्टोरियल, यानी कि दिस इज 6 फैक्टोरियल. और 6 फैक्टोरियल आपका कितना होता है? दैट इज 720. नाउ द थर्ड पार्ट, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवल. ऑल लेटर्स आर यूज्ड मींस वी आर टू फिल 6 प्लेसेस. 6 प्लेसेस हमने फिल करने हैं बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवल. तो ओ वॉवल है, ए वॉवल है, ये उसने रिस्ट्रिक्शन दे दी कि फर्स्ट प्लेस पे सिर्फ वॉवल ही आ सकता है. यानी कि फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इधर विद ओ और विद ए, एनी ऑफ दीज टू. तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन टू वेज. अब एक 6 लेटर्स में से एक लेटर हमने फिल कर दिया, रिमेनिंग आर 5 लेटर्स. तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, दिस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, 3 वेज, 2 वेज, एंड जो लास्ट डिजिट बचे लेटर बचेगा वो वहां पे आ जाएगा. सो दिस विल गिव यू द आंसर 2 × 5 = 10, 4 = 40, 120 and 2. यानी कि 240 आप इस तरीके के वर्ड्स जो है वो फॉर्म कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन हाउ मेनी वेज ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी डू द 4 आईज नॉट कम टूगेदर. अब वो कह रहे हैं कि 4 आईज जो है वो इकट्ठे ना आए. तो इस तरीके के जब क्वेश्चंस होते हैं आपके पास तो उसके हमारे पास बहुत सारे केसेस बन जाते हैं. तो जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें ये कहा जाता है कि लेटर्स इकट्ठे ना आए, उस केस में हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स में से जिसमें वो इकट्ठे आ रहे हैं हम वो केसेस माइनस कर देते हैं. अब टोटल अगर मैं इसमें काउंट करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 टोटल आपके 10 बन रहे हैं इसमें. यहाँ पे आई एस एक बीच में और है. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 11 फैक्टोरियल बट द रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज स्टिल देयर. आई कितने टाइम आ रहा है? 1, 2, 3 and 4 टाइम्स, तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल. एस कितने टाइम्स आ रहा है? 1, 2, 3, 4 तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल. पी कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो फॉर्म होंगे दैट विल बी 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल अपॉन इनटू 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल. अब इसमें से माइनस कर देंगे हम वो केस जिसमें चारों के चारों आईज आपके इकट्ठे हैं. अब ये आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, ध्यान से सुनना. चारों के चारों आईज इकट्ठे वाले केस में हम क्या करते हैं, इनका एक पैकेट बना देते हैं. जहां पे भी आपका इस चैप्टर में क्वेश्चन आएगा कि दीज लेटर्स शुड बी टूगेदर, तो एक बंडल बना देंगे, इसको एज अ सिंगल यूनिट हम ट्रीट करेंगे. अब जो मेरे पास लेटर्स बच गए वो कौन कौन से बच गए? M 4 टाइम्स S एंड 2 टाइम्स P. यानी कि अब जो मैं नंबर्स जो वर्ड्स फॉर्म करूंगी उसमें ये सारे के सारे इकट्ठे आने हैं, तो इसको मैं एज अ पैकेट उठाऊंगी और इनके बीच में हम अरेंज करेंगे.
तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रेपिटेशन। अब इसमें 4 के 4 आइज हम क्योंकि एज अ सिंगल लेके चल रहे हैं, तो ये आगे पीछे करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दिस इज बीइंग ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट। तो डिवीजन बाय दीज थिंग्स करेंगे, 4 टाइम्स एस एंड 2 टाइम्स पी, सो दिस विल गिव यू द, इसको सॉल्व कर लेना, दिस विल गिव यू द नंबर ऑफ वेज इन विच द 4 आइज डू नॉट कम टुगेदर। हमने क्या किया, टोटल में से जहां पे आइज टुगेदर थे वो माइनस कर दिया, तो हमारे पास हमारा आंसर आ गया। इन केस अगर यहाँ आई के अलावा मान लो इस तरीके से हमने वॉवल्स का एक पैकेट बनाया होता, अब इन बिटवीन ये चारों दीज कैन बी अरेंज अमंग अस देमसेल्व्स आल्सो, तो इस वाले के साथ इनटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 4 वेज, आप आगे इस तरह के क्वेश्चंस करोगे तो इनटू हम कर देते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि चारों के चारों आइज एक जैसे हैं, इनकी अगर हम पोजीशंस इंटरचेंज भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो सिंपली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लेटर्स हैं, तो 8 फैक्टोरियल, जिसमें से 4 एस रिपीट हो रहे हैं तो डिवाइड किया बाय 4 फैक्टोरियल, 2 पी रिपीट हो रहे हैं तो डिवाइड किया बाय 2 फैक्टोरियल, एंड इन डिफरेंस जो है दैट विल गिव यू द आंसर। सो वन क्वेश्चन इज लेफ्ट, 11th क्वेश्चन that you will try yourself, otherwise we will discuss this on Monday as the time is over, so I am ending the meeting, if anyone is having any doubt you can unmute yourself and ask the doubt.